इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। गांधी भवन चौराहे पर गुरुवार देर रात एक युवक को कार का शीशा तोड़कर बैग चुराकर भागते दर दबोचा गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोपी की धुनाई भी की, जिसके बाद आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मदारगेट चिश्ती चमन सराय स्थित फूल मंडी के व्यवसायी ताराचंद भाटी दुकान से घर लौटने से पहले कार गांधी भवन चौराहे पर खड़ी कर बाजार लौटे तो देखा एक युवक कार का शीशा तोड़कर बैग निकालकर भाग रहा था। व्यवसायी भाटी के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने युवक को दर दबोच लिया, जहां भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई भी कर दी। सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भाटी की शिकायत पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपी से पड़ताल में जुटी है। भाटी ने बताया है कि बैग में 10,000 रुपये नकदी और कुछ जरूरी दस्तावेज भी रखे थे। सर, मेरी गाड़ी गांधी भवन के पास खड़ी थी, उसमें ये हमारा बैग रखा हुआ था। बैग में तो कलेक्शन 10,000 रुपये थे, लेकिन और डॉक्यूमेंट्स हिसाब किताब सारा ही था, वो इसमें रखा हुआ था। हम 10 आधे घंटे के लिए बाजार में गए थे वापस लॉक करके, तो वापस जब हम आए तो सामने ये लड़का इसके कांच तोड़ के इसको लेके भगता हुआ हमारे को मिल गया। इस बैग में कुछ कागज इम्पोर्टेंट थे? हाँ, इम्पोर्टेंट थे सर। किस चीज़ का बिजनेस करते हो? सर, मेरा फूल मंडी का काम है, अजमेर मदारगेट में चिश्ती चमन सराय लक्ष्मी फूल मंडी के नाम से अपनी शॉप है। जो कांच को तोड़ा उसको पकड़ लिया आपने? हाँ, पकड़ लिया ना सर। पुलिस के हवाले कर दिया? बिल्कुल कर दिया सर। कौन से थाने में? सर, पहले तो कोतवाली में, पहले क्लॉक टावर लेके गए, लेकिन एरिया कोतवाली के आने के बाद हम कोतवाली लेके आ गए। आपका नाम? ताराचंद भाटी सर।